दोस्तों, पुराने कल से लेकर अर्ली मॉडर्न पीरियड तक जब कोई रिटेन क्रिमिनल लॉज नहीं था तो क्रुएलिटी और टॉर्चर ही सजा देने का एकमात्र सामान्य तरीका था। मध्य युग के दौरान एक अपराध करने से आप एक कारावास में जा सकते थे, जिसे हम आजकल एक जेल कहते हैं। लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे कमर कसने वाला स्टील बूट पहनने के लिए आप मजबूर हों। आज के प्रेजेंट लॉस क्रिमिनल्स को पनिश तो करती हैं, बट क्रूएल अत्याचार से कोसों दूर रखती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रूएल टॉर्चर्स जो शुरुआत के दिनों में दिए जाते थे, जो आज के दिए जाने वाले पनिशमेंट उसके आसपास भी नहीं। द पियर ऑफ एंग्विश, यह प्राचीन काल में दंड देने वाला औजार है। माना जाता है कि इसका इन्वेंट 17 सेंचुरी में फ्रेंच में हुआ था। इसका इस्तेमाल लंबा फैलाने बालों पे किया जाता था। इस औजार में 3 या 4 मेटल से बने हुए पत्ते के तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर लगे रहते थे, जिनके बीच से स्क्रू निकलते हुए ऊपर को जाता था, और इस औजार को बॉडी ऑर्गेंस या मुंह में डालकर स्क्रू को घुमाया जाता था, जिससे मेटल के बने पत्ते खुलने लगते थे और विक्टिम्स को बहुत ही ज्यादा दर्द होता था। यह सजा सबके लिए एक समान था, फर्क नहीं पड़ता दंड किसको दिया जा रहा है, आदमी या औरत। ब्लाइंडिंग, दोषी को दंड के रूप में अंधा करना प्राचीन काल से चली आ रही थी और ये वेल नोन पनिशमेंट था। इसमें आरोपी को जबरदस्ती पकड़कर उसकी आंख को उंगली या किसी नोखिले पदार्थ से फोड़ दिया जाता था। इससे जुड़ी एक और वेल नोन पनिशमेंट है वाशिनेशन। इसमें धातु को गर्म कर दोषी की आंख में डाल दिया जाता था, जिससे कि वो अंधा हो जाता था। दुनिया दंग रह गई जब मॉडर्न जमाने में यह पनिशमेंट एक दोषी को दिया गया। 2009 में ईरान में एक एसिड अटैक विक्टिम्स की आंख को मेडिकली हटा दिया गया। ये 18 और 19 सेंचुरी में सदर्न यूएसए में काफ़ी चरम पे था। हैंड सोविंग, इस पनिशमेंट के बारे में जानकर आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि पुराने जमाने में लोग कितना क्रूएल हुआ करते थे। फ्रेंड्स, मिडिल एज के दौरान यूरोप और कई एशियाई देशों में देखा गया था कि आरी से मौत एक सामान्य दृश्य था। इसमें विक्टिम्स को सीधा आधा वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आड़ी से काट दिया जाता था। आमतौर पर इसका यूज ज्यादातर पर पब्लिक के द्वारा फोर्सफुली किया जाता था। क्रूसिफिक्शन, क्रूसिफिक्शन लंबे समय से टॉर्चर की एक विधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें पीड़ित को एक बड़े लकड़ी के ब्लॉक में बंद कर दिया जाता था और तब तक लटका कर रखा जाता था जब तक कि वे अंत में मौत के मुंह में नहीं चले जाते। ज्यादातर मामले में क्रूस पर चढ़ना किसी भी भविष्य के अपराधियों के लिए एक अल्टीमेटम के रूप में कार्य करता है। द रैक, रैक पूरे यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में मिडिल एज के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण था। इस उपकरण का उद्देश्य बड़ा ही सरल और सटीक था, विक्टिम्स के शरीर में लगभग हर दर्द देना। इसमें विक्टिम्स को उनकी कलाई और टखनों को लकड़ी के फ्रेम के दोनों सिरों पर रोलर द्वारा जंजीर से बांध दिया जाता था। चैन को एक शाफ्ट से बांधकर धीरे धीरे खींचा जाता था, जिससे जॉइंट्स में खिंचाव और यहाँ तक कि फ्रैक्चर भी हो जाते थे, और ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। नी क्रशर, इसमें 2 लकड़ी के ब्लॉक होते हैं जिसमें नोकीले कील होते हैं। इनके बीच घुटने को रखा जाता है और जब एक साथ ब्लॉक को लाया जाता है तो लकड़ी के ब्लॉक पर नोकीले दांत घुटने को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होते हैं क्योंकि घुटनों के आर पर ये नोखिले दांत हो जाते हैं। ऐसा एक और ही क्रशर आता है जिसको कहते हैं स्कल क्रशर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सर को कुचला जाता है। ब्रेकिंग व्हील, द ब्रेकिंग व्हील, इस पनिशमेंट से आप यह समझ लो कि जो भी इसका यूज करके पनिश करता होगा वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल होता होगा। इसमें व्हील का यूज किया जाता था लगभग बैलगाड़ी के पहिए की तरह, जिसमें विक्टिम्स को बांधकर व्हील को घुमाया जाता था। फिर पनिशर उसको आयरन रोड से पीटता था जब तक कि उसके शरीर का एक एक हड्डी टूट न जाए। एक कई बार तो विक्टिम्स को 4-5 दिन तक लगातार मारा जाता था, जिसके कारण उसका डेथ भी हो जाता था। ये फ्रेंच में ओरिजिनेट हुआ था और मेडिवियल पीरियड में यूरोप में पब्लिक के बीच यूज किया जाता था। आयरन मेडन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक इंसान को काफी आसानी से फिट किया जा सकता है। बट ज्यादा दर्दनाक ये पनिशमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बड़े बड़े नोखिले कील हैं। जब एक विक्टिम्स को इसमें डालकर बंद कर दिया जाता था तो ये कील उनके अंगों को चीरकर नुकसान पहुंचाते थे, जिससे उनकी जान भी चली जाती थी। अब तक का सबसे प्रसिद्ध आयरन मेडन न्यूरेमबर्ग था, जिसे न्यूरेमबर्ग वर्जिन भी कहा जाता था। इसे पहली बार सन 1802 में पब्लिक किया गया था। रैट टॉर्चर,
रैट टॉर्चर जितना क्रूर सुनने में लगता है उतना ही क्रूर भी है। कैदी को एक फ्लैट सरफेस पे बिना कपड़ों के लेटाया जाता था और दोनों पैरों और हाथों को बांध दिया जाता था। चूहों को एक बॉटमलेस पिंजरे के अंदर रखकर विक्टिम्स के पेट के ऊपर रख दिया जाता था, जिसे धीरे धीरे गर्म किया जाता था। गर्मी से बचने के लिए चूहे उसके शरीर को अग्रेसिवली काटते थे और शरीर के अंदर छेद करना शुरू कर देते थे, जिसे बहुत ही अधिक पीड़ा होता था। ये साउथ अमेरिका से शुरू होकर के चिली और अर्जेंटीना में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पनिशमेंट था। फ्लेइंग। फ्लेइंग एक प्रकार का टॉर्चर था जिसको जानकर आप ये कहेंगे कि इंसान भी इतना क्रूएल हुआ करते थे। इस टॉर्चर में विक्टिम्स के शरीर से स्किन को निकाल लिया जाता था। यह पनिशमेंट बेलनॉन था और यह पनिशमेंट परंपरा की तरह क्रिश्चियन एरा से चली आ रही थी। मेडिवल पीरियड में यूरोप में एक जिंदा इंसान के शरीर से स्किन निकालना पब्लिक में आम बात हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको हिस्ट्री के क्रूएल पनिशमेंट के बारे में जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही साइंटिफिक एंड रैंडम फैक्ट्स जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।